कंपोस्ट हम बहुत ही आसान तरीके से घर पे ही बना सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी किचन के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे केले के छिलके का यूज़ किया है, खीरे का छिलके का यूज़ कर सकते हैं आप। अपने प्लांट से जो भी आपको सूखे पत्ते हो उसको यूज़ कर सकते हैं आप। चार पत्ती यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद आप अपने गार्डन का नॉर्मल सॉइल यूज़ करिए। नॉर्मल सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। मैंने मिक्स किया हुआ है पहले से ही। केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। जो भी वेस्ट मटेरियल हो आपके घर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार पत्ती ऐड करेंगे हम इसमें। केले के छिलके को ऐड करें। सॉइल ऐड कर देंगे ऊपर से। आपको जिस भी कंटेनर में इसको डालना है आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके पहले आप इसको मिक्स कर ले अच्छे से। मैंने इस टाइप का कंटेनर लिया हुआ है, आपको इस तरीके से कंटेनर लेना है। उसके बाद आप इसमें नीचे सॉइल यूज कीजिए। उसके बाद मैं इसमें सभी सब्जियों को मैंने इसमें डाल के रखा है। फिर हम इसे ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे अच्छे तरीके से। वाटर का इस्तेमाल बहुत कम ही करें क्योंकि सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में वाटर होता है। अब इसे हम कवर कर देंगे और ऐसे एरिया में रखेंगे जहां पे इसको अच्छी मात्रा में हवा मिल सके। 15 दिन के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं।